प्लीज़ मेरे वीडियोस को मत देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, औरों को देखने दीजिए, ठीक है? लेकिन अगर सीखना है तो जिस तरह प्रोसेस है उस तरह फॉलो कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आप जिस टॉपिक को मेरे साथ कर रहे हैं कवर, वो है इफ कंडीशनल या फिर इफ क्लॉज, ठीक है? ये एक्चुअली है कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट, क्योंकि अभी हम सब और सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में और क्या क्या वाइब्रेंट है उसका। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं इफ कंडीशनल, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ आपको मिलेगा, हमने आपको उसमें सिखाया था बेसिक ऑफ इफ क्लॉज, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाया था मैंने। लेकिन उसमें बेसिक अगर आप सीख जाएंगे तभी आप जाके यहाँ एडवांस सीख सकेंगे आज मेरे साथ, क्योंकि बेसिक का नॉलेज लिए बगैर आप एडवांस नहीं सीख सकते। वैसे सिंपल सी बात है, बिना ABCD सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, किसी वर्ड को नहीं अर्न कर सकते, कोई सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते। सिमिलरली आपको पहले मेरे साथ बेसिक सीखना होगा, उसके बाद आप इस एडवांस को सीखें। नहीं सीखा है तो इस वीडियो को छोड़िए और पहले सीखिए बेसिक, तब यहाँ आइएगा। शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को। लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एडवांस लेवल पर रहें, हमेशा तैयार रहें सीखने के लिए, ठीक है? वैसे भी मैं अपनी वीडियोस को, खासकर ग्रामर की वीडियोस को, मैं संडे रिलीज़ करता हूँ ताकि फुल टाइम हो आपके पास आराम से देखने के लिए, ठीक है? अब देखते हैं इस एडवांस लेवल को समझते हैं। तो अब हम सब देखते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को इस एडवांस रूल को। ये है बेसिक रूल, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले के वीडियो में किया है, ठीक है? ये जो हम सीख रहे हैं, ये बेसिक रूल का जो फर्स्ट है, ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है? ये है फर्स्ट कंडीशनल जो हम सीख रहे हैं, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड देखेंगे, ठीक है? तो बेसिक मैंने ये समझा दिया है पिछले के वीडियो में, आप देखिए उसमें पता आपको ये भी चलेगा कि हम ये फर्स्ट कंडीशनल क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करेंगे, वो सब आपको उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगी, ठीक है? अभी हम देखते हैं। तो बेसिक जो कंडीशन है इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, अब आप देखेंगे क्या कि मैंने 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ इसका डिवीजन किया है, ठीक है? चार तरह से इफ़ के साथ चेंजेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस है उसमें चेंजेस नहीं आता है, ठीक है? देखिए, ये वो फर्स्ट है, ये कभी एक्टिव हो गया, कभी पैसिव वाइज हो गया, वो अलग डिफरेंस मैटर है, ठीक है? तो यहाँ का जो पार्ट है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस का पार्ट है, वो सब में सेम है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं फर्स्ट क्लास में, वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ वर्ब की बात आती है, वर्ब वन, कभी कभी इसमें बी लग जाता है तो वो थर्ड हो जाएगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन ये पार्ट जितना है ये सेम रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब फर्स्ट है, फिर इज एम आर आई एन जी है, इज एम आर वर्ब थर्ड है, इज एम आर कभी नाउन के एडजेक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है? अब देखते हैं मेरे साथ क्या है। ये टफ नहीं है बहुत, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है आपकी, ध्यान की ज़रूरत है आपकी। देखते हैं क्या है। इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, अगर मैं लिखता हूं इफ शी बिलीव्स यू शी विल जॉइन द क्रू, आप देखिए है ना, इफ सब्जेक्ट शी वर्ब वन बिलीव्स, बिकॉज शी के बाद बिलीव्स आएगा। अब इसे जानने के लिए ये बिलीव्स कैसे हो गया, पूरा एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आपको इस आई के लिंक में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखें, ठीक? सो इफ शी बिलीव्स यू, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ शी लगाएंगे, अब आप सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसी के बारे में बात करें, शी, आप यहाँ से वर्ड्स चूज करेंगे, शी विल ज्वाइन द ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस, डेफिनेटली यहाँ से मॉडल वर्ब लगाना है। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ चेंजेस आ रहा है, अब यहाँ से हम समझेंगे। एडवांस से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये इस तरह से भी इफ क्लॉज के अंदर सेंटेंस बन सकता है। आमतौर पे बुक्स वगैरह में आपको यही रूल्स मिलेगा, बस यही रूल्स मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से समझना पड़ता है, और ऐसे ऐसे पढ़ते 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 जो है फिर ये चीज़ समझ में आती है, तो बेहतर है भी समझ लें और बेहतर हो जाएगा, ठीक है? नाउ इफ सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब वन आई एन जी, देखिए ऐसा कैटेगरी जो मैंने ये रूल्स लिखा है ये आता है फर्स्ट कंडीशनल में, ठीक है? क्योंकि जब आप तीनों कंडीशन समझ लेंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके लिए,
क्योंकि तीनों का फिर जो है ये तभी सभी रूल्स आपके पास जमा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगा। तो आप अभी से क्लियर होकर चले कि फर्स्ट कंडीशनल में हमें ये देखना है कि वह फर्स्ट होगा इफ के साथ या कभी एज एम आर आ सकता है। देखिए सब में एज एम आर तो कॉमन है, तो मतलब है कि जहां इज एम आर देखेंगे और जहां वह फर्स्ट देखेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंस में विल शैल में कैन मस्ट का इस्तेमाल करना है, और जहां हम विल शैल में कैन मस्ट देखेंगे वहां हमें इनमें से कोई यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इफ सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब वन आई एन जी। अब देखिए इसे यहां पर लिख रहा हूं, इफ रवि इज लिविंग फॉर लंडन, इफ रवि इज लिविंग फॉर लंडन, सो अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया इफ रवि इज लिविंग फॉर लंडन, क्योंकि मैंने देखिए आई एन जी लगाया तो इज एम आर के बाद आई एन जी भी लगा दिया मैंने, तो मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ वर्ब वन से ही बनेगा, इसमें हम कंटिन्यूस सेंटेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ, ये तो रूल हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का, उसके साथ साथ कंटिन्यूस भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इफ रवि इज लिविंग फॉर लंडन, सो अब आप यहां पे दीजिए कोई भी कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, ही मस्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, ही मस्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, सो इफ रवि इज लिविंग फॉर लंडन ही मस्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। अब आप जो है यहां पे इसके हिसाब से इस सेंटेंस को क्रिएट कर चुके, देखिए ये वाला रूल सब में सेम चलेगा, मैंने यहां मस्ट यूज किया है, मस्ट लगाया है, वो फर्स्ट यहां पे मैंने इन्फॉर्म यूज किया, बाकी द प्रिंसिपल वो तो सेंटेंस का पार्ट है ना। अब यहां पे देखिए उसी तरह इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड, अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पता है कि नहीं पता है, देखिए ये होता है क्या कि सब्जेक्ट वर्ब वन ये एक्टिव वॉइस में है, जब ये चेंज हो जाता है पैसिव में तो इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड लग जाता है। ठीक है, अब इस तरह का सेंटेंस कैसे, यहां पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए इफ द vehicles are transported, if the vehicles are transported, इस वर्ड का pronunciation आप virtual मत कर दीजिएगा, इसका pronunciation होगा vehicles। अगर आपको सीखना है pronunciation भी ऐसे किसी words का अजीब सा है ना vehicle, तो आप मेरे चैनल को जान सकते हैं, मैं pronunciation का भी वीडियो रिलीज करता हूँ, अब तक मैंने 6 वीडियो रिलीज कर दिया है, आप उसे देखें ना। If the vehicles are transported on time, you will get it soon. अब ये देखिए मैंने क्या किया, इसको पैसिव वर्ब बनाया है, इफ द व्हीकल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन टाइम यू विल गेट इट सून। अब यहां का पार्ट फिर सेम, सब्जेक्ट विल शैल मे कैन मस्ट से विल लगाया, गेट वर्ब वन इट सून। अब यहां देखिए, अब इसे देखिए इसमें क्या है कि इसमें इज एम आर के बाद वर्ब्स नहीं है, इसमें कभी नाउन कभी एडजेक्टिव या कभी एडवर्ब भी आ सकता है इज एम आर के बाद, तब भी वो आपका इसमें आएगा फर्स्ट कंडीशन में आएगा। इज एम आर इंपॉर्टेंट है, देखिए इफ ही इज योर फ्रेंड, इफ ही इज योर फ्रेंड, देखिए इफ लगा ही सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर इज लगाया, योर फ्रेंड यहां पे नाउन का काम कर रहा है, इफ ही इज योर फ्रेंड यू मस्ट इनवाइट हिम, हो गया। फिर देखिए इफ यू आर लेट, इफ यू आर लेट, फिर आर लगा लेट, लेट एडवर्ब है, इफ यू आर लेट You will pay for it. तुम्हें चुकाना पड़ेगा उस गलती के खाने को। तो अब आप देखें क्या कितने आसानी से जो है अगर आप इन रूल्स को लर्न कर लेते हैं तो आपको इतना इस बात पे यकीन रखना होगा कि आपसे मिस्टेक नहीं हो पाएगा कभी भी, ना पहचानने में ना सेंटेंस बनाने में। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ का तो सब सेम है, लेकिन यहाँ आपको देखना है डिफरेंट वेज हो गया, काफी डिफरेंट वेज हो गया, यहाँ पे वर्ब वन या इज एम आर वर्ब वन आई एन जी, यहाँ इज एम आर वर्ब थर्ड, कभी इज एम आर नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यह है सेकंड कंडीशन, फर्स्ट देखा आपने वर्ब फर्स्ट लगा, यहाँ क्या देखेंगे वर्ब टू लग रहा है, देखिए समझिए किस तरह होता है। यह है बेसिक,
इफ सब्जेक्ट वर्ब टू सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट, मतलब आपने अगर यहाँ पे वर्ब टू देख लिया तो आप यहाँ वुड के साथ वर्ब फर्स्ट ही लगाएंगे, कोई कैन मे विल शैल नहीं, सिर्फ और सिर्फ वुड वर्ब फर्स्ट जब यहाँ वर्ब टू होगा। वही चीज जब यहाँ वर्ब वन होगा तो यहाँ पे बदल जाएगा, वर्ब फर्स्ट यहाँ पे सेम है, वहां भी सेम था। सो अब देखते हैं किस तरह बनेगा सेंटेंस। इफ रवि एडमिटेड, क्या बात लगा वर्ब टू, इफ रवि एडमिटेड हिज फॉल्ट ही वुड, वर्ब टू लगा कि यहां ही वुड हो गया, कॉन्सिक्वेंस के पार्ट में, ही वुड नॉट फेस सच पनिशमेंट। सो वर्ब टू वुड वर्ब फर्स्ट फेस, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह वर्ब टू के जगह कभी कभी वॉज वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। ये था सिंपल पास्ट, तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस, और ये एक जो है ये इस सिंपल पास्ट एक्टिव का ये पैसिव है। देखते हैं किस तरह। अब इफ सब्जेक्ट वॉज वर्ब वर्ब वन आइंग जी देखना है, इफ शी वॉज एक्टिंग, अब एक्टिंग क्या है वर्ब वन आइंग जी, शी वॉज एक्टिंग अ फूल, शी वुड मेक अस फूल। अब देखिए वुड लगा वर्ब फर्स्ट लग गया, यहां पे वॉज के साथ आइंग जी लगा, यहां वुड के साथ वर्ब फर्स्ट लग गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या देखना है इसमें वर्ब टू और वॉज वर्ब ना। अब देखिए इसे, इसमें भी वॉज वर्ब वर्ब थ्री लगाया इसमें मैंने। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इफ माई आंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी, वॉज इंटरेस्टेड वर्ब थर्ड, वॉज वर्ब थर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन द मूवी, शी वुड नॉट अलाउ अस टू वॉच इट। तो यहाँ क्या लगा वुड अलाउ वर्ब वन, ठीक है। लेकिन ये मैंने लिखा एडवांस, ये उन स्टूडेंट के लिए है ही नहीं जिन्हें सेंटेंस बनाना नहीं आता है, इसलिए वो देखे भी नहीं इसे, इसे उन्हीं के लिए जो एडवांस लेवल का समझना चाहते हैं। अब देखिए, इफ सब्जेक्ट वॉज वर्ब, कभी कभी वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आता है, आपने देखा है इसे इससे पहले फर्स्ट कंडीशन में, अब यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। इफ सुभो वॉज अ जेलर, ठीक है, इफ सुभो वॉज अ जेलर, अब इसमें क्या हो गया वॉज लगा नाउन लगा दिया, इफ सुभो वॉज अ जेलर वी वुड विजिट द जेल, जेल घूमने का बहुत शौक है भाई इसे, तो जेलर तो होता पहचान वाला तो जाता वो घूमने के लिए जेल, वी वुड विजिट द जेल। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्या है, वॉज लगा यहाँ वुड के साथ वापस लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इफ ही वॉज लेजी, अब यहाँ क्या लगा लेजी क्या है एडजेक्टिव या नाउन या एडजेक्टिव, इसे पहले क्या देखा था एडवर्ब फर्स्ट कंडीशन में, इफ ही वॉज लेजी ही वुड नॉट रिसीव द अवार्ड फॉर द मोस्ट एक्टिव मैन, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन, लेकिन इंपॉर्टेंट है वॉज वुड वर्ब फर्स्ट, वर्ब टू वुड वर्ब फर्स्ट, वॉज वर्ब वर्ब फर्स्ट, ये देखना है आपको। अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल इसके बाद, अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, ये फिर क्या है बेसिक है, ठीक है, बाकी ये तो सीखेंगे सीखने के बाद समझने के बाद। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड मतलब इसमें कॉमन है हैड हैड हैड, आपने देखा होगा फर्स्ट में वर्ब वन था इज एम आर, सेकेंड में वर्ब टू था वॉज वर्ब, थर्ड में हैड,
हैड देखा, थर्ड कंडीशनल का रूल फॉलो करना है जहां पे इसका कॉन्सिक्वेंस में वुड कुड शुड माइट के साथ हैव व थर्ड लगाना है। पहले वाले में इसका प्रेजेंट था विल कैन शैल और मे था, सेकेंड वाले में सिर्फ वुड था, थर्ड वाले में वुड कुड शुड माइट हैव व थर्ड। ठीक, अब देखेंगे सेंटेंस कैसे बना है। इफ आई हैड, थर्ड लेते हैं, कलेक्टेड सब्जेक्ट आई हैड, कलेक्टेड इफ आई हैव कलेक्टेड द पेपर्स ऑन टाइम। अब ये तो आप सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे क्या कंडीशन आपको ऐड करना है। इफ आई हैड कलेक्टेड द पेपर्स ऑन टाइम, अब यहाँ पे आई वुड कुड शुड माइट लगाना है। ठीक, आप सोच सेंटेंस के साथ लगाएंगे, क्या होगा, आई वुड हैव हो गया, वुड हैव व थर्ड करेक्टेड इट। इसमें क्या देखा हमने, हैड व थर्ड का यूज किया, अगर हैव हैड व थर्ड है तो हम यहां से वुड कुड शुड माइट में से चूज करेंगे, तो मैंने वुड लिया, हैव व थर्ड यूज किया। ये हो गया एक पार्ट थर्ड कंडीशनल का बेसिक रूल। अब आगे देखते हैं उसका। ठीक, नाउ देखिए ये सब रूल कोई समझ मत, ये मत समझिएगा कि कोई एक्सेप्शन आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, हैड के यूजेस से, तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं जो रूल्स मैंने बताए आपको फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में, इफ क्लॉज के साथ, इसके ऊपर नहीं है। इसलिए और भी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मैंने उन सब पॉसिबिलिटीज को कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए इसे, इफ सब्जेक्ट हैड बीन व थर्ड, कभी कभी बीन के साथ व थर्ड के जगह पे कभी कभी नाउन या फिर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव भी आ जाता है। दोनों देखेंगे किस तरह होता है। देखिए अब ऐसे यहां देखिए, इफ शी हैड बीन टू लंदन, अब यहां देखिए मैंने बीन के लगाया, पथर ने लगाया, लंदन लगा दिया नाउन। इफ शी हैड बीन टू लंदन आई वुड हैव visited her mother there, यहां लगा had been noun, यहां से अब देखेंगे verb के ऊपर। देखिए if I had not been traced out, if I had not been traced out, had been whipped, traced out लगा, क्या करेंगे, I would have died there. Would have buffered. इस तरह एक सेंटेंस थी जहां पे आप ये भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए मैं लिख रहा हूं, इफ वी हैड नॉट बीन अर्ली, बीन लगाया, अर्ली उसके अर्ली क्या है भाई, एडवर्ब है। इफ वी हैड नॉट बीन अर्ली टू द स्टेशन वी वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो अर्ली एडवर्ब लगा ना। अब देखिए इसे लास्ट वाला, इफ इसमें क्या है, इसमें हैवी हैड है, बीन है और वर्ब बन आईएनजी, ये वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो उसी का ये वाला क्या हो गया, एक्टिव है, ये पैसिव है, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। अगर आप टेंस जानते हैं तो अच्छे से समझ सक रहे हैं। इफ सुजैन हैड लगा हैड been verb 1 ing reading novel, had been verb 1 ing novel, she might have finished it yet, she might have finished it yet। तो यहाँ पे might लग गया, have verb 3। आपने देखा ये रूल्स याद कर लेना कितना इम्पोर्टेंट है। ये रूल्स याद हो गई आपको, ये सब सेंटेंस समझना बनाना आसान। तो मेरे साथ आप रिवाइज करें एक बार, ये हाथ इफ क्लॉज, ये हाथ उसका कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल इफ क्लॉज में व फर्स्ट इज एम आर देखा, तो कॉन्सिक्वेंस में क्या लगाएंगे, कैन मे विल शैल मस्ट व फर्स्ट।
सिंगल कंडीशनल इफ क्लॉज में क्या होगा, वॉज वर वर्ब टू, इसमें क्या होगा सब्जेक्ट सिर्फ वुड वर्ब फर्स्ट, और थर्ड कंडीशन में क्या होता है हैड, सबसे इंपॉर्टेंट हैड देखना आपको, क्योंकि दोनों में हैड तो कहीं यूज नहीं है, हैड ही पहचान है सबसे बड़ा, और वह थर्ड उसमें लग जाना, और यहां पे क्या होगा फिर शुड वुड कुड माइट हैव वर्ब थर्ड। तो ये जो मैंने आपको बताया है तीनों का अलग अलग करके, ये इस तरह से आपको लर्न कर लेना है आसानी से, फिर देखेंगे आप कि आपको इसमें गलती होना खत्म। बेसिक का वीडियोस देखने के बाद और एडवांस के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को तुरंत देखें अभी, ये क्या है इन दोनों पे एक्सरसाइज सॉल्व किया है, अगर सॉल्व कर लिया आपने इसे बस आप सीख गए इफ कंडीशनल को आसानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।